नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारी डेट सारी कमाल कमाल की गर्मागरम न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है सिक्योरिटी को लेकर, या फिर कहेंगे ट्विटर की तरफ से। तो ट्विटर ने जो है अपना सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा अपडेट कर दिया है। पहले जब आप ट्विटर के ऊपर लॉगिन करते थे तब आपको मिलता था एक ओटीपी एसएमएस, उसके अंदर मिलता था आपको 6 अंकों का कोड जो कि ट्विटर में लगाने के बाद आप लॉगिन कर पाते थे। लेकिन अभी जो है ट्विटर ने 2 और नए फैक्ट जो है लागू कर दिए हैं ट्विटर के अंदर। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस प्रकार से जो है नया ऑथेंटिकेशन जो सिस्टम है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब आप जो है थोड़ा सा एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम ट्विटर के अकाउंट के ऊपर यूज़ कर पाएंगे, उससे जो है आपका ट्विटर का अकाउंट हैक होने का जो खतरा है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है कोयम्बतूर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरफ से। तो उन्होंने जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके जो किसान हैं, जो फार्मर हैं और जो खेत हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर बना दिया है। और उसके चलते जो IEEE जो एजुकेशन फाउंडेशन सिस्टम है उन्होंने जो है यहाँ पर 1.2 मिलियन रुपए देने का भी मतलब वादा कर दिया है कि आपको जो है इतने रुपए मैं दे रहा हूँ, तो आप जो है अपना रिसर्च से जारी रखिए, शुरू रखिए। काफ़ी मतलब मदद मिलने वाली है इससे किसानों को फ्यूचर के अंदर, अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है तो। अब मैं आपको बता दूं इस सिस्टम में जो है क्या होने वाला है। जब किसान जो है काफ़ी सारी जानकारी आजकल जो है कम हो गई है, कौन सी जो है उसके अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना है, खेत की जो है कटाई कब करनी है, बुआई कब करनी है, और काफ़ी सारे जो अलग अलग किसान हैं उनसे भी जो है कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कब कर रहा है, कब जो है क्या करना है, सारे के सारे जो है काम वो एप्लीकेशन यहाँ पर करके दे देगी। और काफ़ी कुछ जानकारी जो है फार्म की उसके अंदर डाल दी जाएगी, जिससे काफ़ी मदद मिल जाएगी किसान भाइयों को। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है हमारे भारत की तरफ से। तो इंडिया के अंदर जो है लिस्ट किया गया है, काफ़ी सारे मतलब वर्ल्ड वाइड एक लिस्टिंग होता है, उसके अंदर जो है इंडिया का भी नाम शामिल कर लिया गया है, मतलब ब्रॉडबैंड स्पीड को लेकर। तो ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है इंडिया के अंदर सच में ही 2 से 5 GBPS की है। अभी भी कुछ दिन पहले जो है ब्रॉडबैंड की कुछ यहाँ पर सर्विस लॉन्च की गई है, उनमें भी काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पर दे दी गई है। एचसीटी फाइबर भी जो है एक उदाहरण है उसका, जो कि अभी बेंगलुरु में भी मतलब शुरू कर दिया है अपनी नेटवर्क का प्रसार वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसके चलते जो है ग्रोथ रेट जो है इंडिया की यहाँ पर बढ़ जाती है और नाम आ जाता है वर्ल्ड वाइड उन कंट्रीज के अंदर जिनकी ब्रॉडबैंड स्पीड काफ़ी तेज़ है। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है चार्ली ली की तरफ से, जो कि खोज करता है लाइट कॉइन के। जैसा कि बिटकॉइन होता है उसी प्रकार से लाइट कॉइन होता है। अब वो मतलब बेचना चाहते हैं अपने सारे के सारे वो लाइट कॉइन जो कि मतलब काम नहीं आ रहे हैं। कुछ सिक्के उनके पास जिनके ऊपर लाइट कॉइन का यहाँ पर मार्क है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो उनके पास जितने भी हैं सारे के सारे वो सेल करने वाले हैं। अब वो क्यों करने वाले हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी मेरे काम के नहीं हैं, तो उसके चलते जो है उन्हें वो सेल कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, कुछ ना कुछ से मतलब घटता ही रहता है, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए, इसी के चलते जो है अपडेट निकल के आती रहती हैं। दोस्तों, अब अगले अपडेट निकल के आ रही है LG की तरफ से। तो LG भी जो है लॉन्च करना चाहता है कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं LG क्या निकाल के लेके आता है। अभी तक सिर्फ LG ने यही रिपोर्ट दी है कि मैं बता रहा हूँ कुछ नए मतलब फंड है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके लिए मैंने एक जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो डाला है, आप पूरी तरह से जान सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ उस वीडियो में मैंने अपनी भाषा में आपको बताया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं चैनल के ऊपर। दोस्तों, अब अगले अपडेट निकल के आ रही है ओकिनावा एक ऑटो स्कूटर की तरफ से, जो कि मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो इंडिया के अंदर इसे लॉन्च कर दिया गया है। लगभग 200 किलोमीटर ये चल जाता है एक बार चार्ज करने के बाद, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जो है इसे दौड़ा सकते हैं। और इसकी कीमत इंडिया के अंदर लगभग 60,000 रुपये है। अब आपको अगर पसंद है स्कूटर तो आप ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो कंपनी बाहर की है लेकिन इंडिया के अंदर इसे लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, चार्जिंग भी थोड़ी यहाँ पर फास्ट होती है इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है। देखते हैं आगे पता चल जाएगा इसका और इसमें जो है क्या क्या यहाँ पर दे दिया जाएगा। दोस्तों, अब अगले अपडेट निकल के आ रही है फिर से इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। पहले इलेक्ट्रिक कार आई, अब इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है। अभी स्कूटी की हमने बात की थी, अभी जो है रॉयल इनफील्ड जो है क्लासिक वाली उसको जो है शो कर दिया थाईलैंड के अंदर। पूरा का पूरा जो इंजन यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं
इसमें इंजन की जगह जो है बैटरीज वगैरह लगा रखी हैं और इन्हीं से जो है रॉयल इनफील्ड यहाँ पर दौड़ने वाली है। अब कितनी स्पीड से दौड़ेगी कंपनी ने नहीं बताया, अभी प्राइस कितनी है कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन कल परसों अपडेट में मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो रॉयल इनफील्ड भी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिक मिलने वाली है जल्दी ही इंडिया में भी निकल के आ जाएगी, इंडिया में इनकी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है इंडियन मोबाइल को लेकर, जो कि काफ़ी सारे जो हैं चार्जर वगैरह हम यूज़ करते हैं, रोज़ रोज़ चार्जर ख़राब भी हो जाते हैं, नए भी खरीदने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक टारगेट रखा है इंडिया के अंदर कि लगभग 2025 तक यहाँ पर 350 फैक्ट्री लगा दी जाएंगी सिर्फ चार्जर बनाने में, मतलब मोबाइल के चार्जर बनेंगे सिर्फ उन फैक्ट्रीज के अंदर, सिर्फ वो फैक्ट्री जो है मोबाइल चार्जर ही बनाएंगी, चाहे वो किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी अगर उसे ऑर्डर दे देंगी कि हमारी कंपनी को चार्जर चाहिए तो उसका ठप्पा लगा के उसे चार्जर बना के दे देंगी। अब सारे के सारे चार्जर जो हैं वर्ल्ड वाइड के वो इंडिया में बनने वाले हैं, ऐसा जो है यहाँ पर निकल के आया है। तो काफ़ी सारे मेरे भाइयों को जो है यहाँ पर जॉब मिलने वाली है इन कंपनीज के अंदर, इन फैक्ट्रीज के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो बढ़ रहा है इंडिया आगे, तो इसी के चलते जो है इतनी सारी ये खबरें थी, काफ़ी कुछ जानकारी दी होगी लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैंने आज इस वीडियो में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके सामने मिलता है बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए, उसे भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल कोई सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।